दोस्तों आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि आपका जो पौधा है वो हमेशा सुरक्षित रहे। ये 2-3 महीने पौधे को कुछ ना हो, एकदम सुरक्षित रहे, उसके लिए हम बता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरियर सिंह बोल रहा हूँ, हरियर सिंह इन्फो ट्यूब से। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपके पौधे हमेशा सुरक्षित रहें, कभी उसमें रोग ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, उसका विकास ना रुके। कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंडी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो आज आप हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लो। अपने हमने गुड़ाई कर ली है, देखिए आप, हमने सब इसको अच्छे से बना दिया है भुरभुरी। देख रहे हैं अब इसको क्या करना है, हमें थोड़ा इसकी मिट्टी निकाल लेना है, ऊपर की मिट्टी इसकी निकाल लेना है। देख रहे हैं आप, ये हमने मिट्टी निकाल लिया पौधे के जड़ से, पौधे को खाली कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालें कि इसमें कोई फंगस विंगस ना लगे। ऐसे मिला दें, उसके बाद हमें इसमें ये प्याज का छिलका आप देख रहे हैं, अच्छी तरह हमने प्याज भर दिया इसके अंदर। ये छिलका भरने के बाद आप इसमें ये जो मिट्टी निकाल के रखे हो ना, इससे कवर कर दो। अब इसमें जो भी फर्टिलाइज़र आप डालें डालते रहें, लेकिन इस ये ऐसा करने से आपके पौधे में कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो पौधे का विकास नहीं रुकेगा और ड्रेनेज होल नहीं बंद होगा। देख रहे हैं दोस्तों, देखिए हमने प्याज के छिलके को पूरी तरह से इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब इसमें पानी डालिए आप, फर्टिलाइजर डालना, जो भी करना करना, पर ये आपको ये प्याज का छिलका 2 से 3 महीने तक आपके पौधों को कुछ नहीं होने देगा, जब तक ये गल के ख़त्म नहीं हो जाएगा ड्रेनेज पाइप से, ड्रेनेज होल से, तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है मित्रों। फिर हम घुसेड़ दो उसके अंदर, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे में कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये गुड़हल का पेड़ है, इसमें बहुत अच्छा फूल आएगा और एक काफ़ी स्वस्थ रहेगा। ये हमने 4 महीने के बाद इसमें दोबारा कर रहा हूँ, पहले किया था, अब धीरे धीरे हम हमारे पास जितने भी प्लांट हैं हम सब में कर देंगे। दिख रहा है आपको, ये सब में करना है, आज सब आदमी कर रहे हैं, आज सब ख़त्म कर देंगे इसको, लगा देंगे। छत के ऊपर सब्जियाँ हैं, तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट में लिखना कुछ आपको अच्छा लगा या आपको कुछ पूछना है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।